हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सिमेटिंग चैलेंज में। और आज क्या लेके आए हैं खाने, चले दिखाते हैं फ्रेंड। एक सच्चाई है कि ये खाना भी किसी किसी को नहीं नसीब होता है। तो पहले सबसे पहले तो खाना को प्रणाम कर रहे हैं कि मुझे इतना अच्छा मिल रहा है, तो चलिए दिखाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा आज का खाना। सिंपल मेन्यू है फ्रेंड, कोई हाई फाई वाला नहीं है, क्योंकि आप ही लोग सजेस्ट करते हैं कि दी जो रहता है उसी को खाइए, ज़्यादा ताम झाम मत कीजिए। और बता दे, चलिए दिखाते कि क्या है खाने में। तो फ्रेंड फ्रेंड आज हमारे पास है भरता, स्पाइसी भरता। इधर सलाद है, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ सलाद को। और ये झींगी डाला हुआ दाल है फ्रेंड। और ये हमारा झींगी डाला हुआ दाल है, और ये झींगी मसालेदार वाला है। तो मैं दिखा रही आपको कैसा दिखा, कमेंट कीजिएगा जरूर। दाल भात और झींगी का सब्जी करते हैं, एंजॉय। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और उम्मीद है आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। सबको एक दूसरे का सपोर्ट का जरूरत है, और हमें आप लोगों का तो प्लीज रिक्वेस्ट है। और खाना मेरे नज़र में तो लाजवाब है दोस्तों, क्योंकि है और किसी किसी को ये खाना भी नहीं नसीब होता है। तो पर हम लोग अच्छा मिल रहा है, सच बता रहे। तुरई झींगी होता है ना, रिच गोड जिसको बोलते हैं, उसको डाल के मसूर दाल में बनाइएगा, इतना अच्छा लाजवाब टेस्ट आता है ना, मत पूछिए। हरा मिर्च नहीं था फ्रेंड, इसीलिए नहीं तो रखते हैं भी खाने के लिए, अच्छा लगता है मुझे। मुझे बहुत पसंद आज का सब्जी। बहुत ही लाजवाब, का दाल चोखा कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लगा, किसी
कितना बार बोल चुकी है, आप लोग भी बोलेंगे कितना बोलती है एक ही बात को। तो आज समझ सकते हैं मैं पूरा थाली साफ कर दी, कितना टेस्टी और लाजवाब था। तो दाल भात के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और क्या बोले, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में।